डिंडोरी में आउटसोर्सिंग कंपनी के व्यवसायिक शिक्षकों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना है कि 8 माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया और वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका गृहस्थ जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। डिंडोरी में नवीन व्यवसायिक शिक्षा नीति के अंतर्गत पदस्थ आउटसोर्सिंग कंपनी के व्यवसायिक शिक्षकों को 8 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे परेशान होकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 35 निजी कंपनियों से MOU साइन कर पिछले 6 वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं डिंडोरी में विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा UP की कंपनी द्वारा डिंडोरी मंडला बालाघाट सहित 5 जिलों में व्यवसायिक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और डिंडोरी के सभी 7 विकास खंडों में 19 शिक्षक नियुक्त किए हैं, जिन्हें विगत 8 माह से कंपनी द्वारा वेतन नहीं दिया गया है, जिससे सभी शिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उधार में चल रही गृहस्थी अब बेपटरी हो गई है और उधार मिलना भी बंद होने से भुखमरी के हालात हो गए हैं। व्यवसायिक शिक्षकों को जून 2022 से आज तक विगत 8 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कंपनी के अधिकारियों से मौखिक एवं लिखित रूप से वेतन संबंधी जानकारी पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सह संचालक जबलपुर से भी वेतन संबंधी मांग करने पर भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। कलेक्टर से व्यवसायिक शिक्षक ने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं कंपनी विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश से विगत 8 माह का वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में जिला राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के प्रभारी मिशन संचालक का कहना है, संबंधित कंपनी की लापरवाही को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है और कंपनी का MOU निरस्त करते हुए शिक्षकों का वेतन रमसा को भुगतान करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजा जा रहा है, जिससे सभी शिक्षकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर किया जा सके। हम लोग डिंडोरी के समय विभिन्न ब्लॉक से स्कूल में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर पर पद पर कार्यरत हैं, जहां पर विगत 8 मंथ से हम लोग को सैलरी नहीं मिली हुई है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के कर्मचारी रमसा से जुड़े हुए हैं और हम लोग को कंपनी के थ्रू रखा गया हुआ आउटसोर्स के थ्रू, लेकिन कंपनी के पास जाते हैं तो बोलते हैं रमसा पैसा नहीं दे रही, और जब रमसा के पास जाते हैं तो कंपनी पैसा नहीं दे रही है। इन दोनों के बीच में हम लोग फंस गए हैं और हम लोग को ना पैसा मिल पा रहा है और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर साहब से हमें पहले भी बात हुई थी और सर ने बताया था कि आश्वासन मिलेगा और जिसके कारण एक आदेश भी निकला हुआ है। आज भी सर से बात हुई तो उन्होंने DO सर को बुलाया और उन्होंने भी लेटर लिखने बोला है और वो आयुक्त महोदय को भेजेंगे भोपाल, और जिससे हम लोग की समाधान जल्द से जल्द हो पाए। हम लोग शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, हम लोग को आउटसोर्स के थ्रू रखा गया है और हम लोग चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत भी रखा जाए, क्योंकि हम लोग 7 साल से एक ही पेमेंट पे काम कर रहे हैं केवल, और तो उसको इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में इंक्रीमेंट मिल रहा है तो हमें भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।